कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी बस ऐसे ही आप चलिए तो सही मेरे साथ। ठीक है चलो, इस बहाने मेरी यानी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाथ फैला लिया आपने उनके सामने और आपको क्या मिला? एक टका सा जवाब। एनी भाभी तो बहुत अच्छी हैं। तुम बस चुपचाप तमाशा देखो और कोई राय देने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, मुझे पूरा यकीन है कि सारी मेरी बात सुने बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकते, और वक्त से पहले कोई भी बात करना अच्छा नहीं है। फैनी, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हाथों से सुबह से अभी तक 4 गिलास और 2 कप क्रिकेट टूट चुके हैं। अरे तुम हंस रही हो, इसमें हंसने की भला क्या बात है? मुझे तो अफसोस हो रहा है, खामखा मेरे हाथों से नुकसान हो गया। आजकल तो रोने और हंसने की पहचान ही भूल गई है, पता ही नहीं चलता कि किस बात पे रोना है और किस बात पे हंसना है। अरे जैनब, मेरे साथ कोरंगी चलोगी? अरे वहां पे एक बाबा है, उसे मिट्टी लानी है। जिसके भी दहलीज में डाल दो वो बेचैन होके दौड़ा चला आता है। ना बाबा ना, मैं ऐसी चीजों से दूर ही रहती हूँ, और अगर किसी के घर के सामने ऐसी चीज डाल दोगे तो मजमा तो खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा। ना बाबा, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अरे नहीं भाई, जिसका नाम मिट्टी पे पड़ा जाता है वो ही बेचैन होता है। मैं तो अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ ताकि वो दौड़ी चली आए मेरे पास। सलमा बहन, मैंने कल ही सारा को देखा है, इतनी हंसती मुस्कुराती अदनान के साथ जा रही थी।
और आप कैसी माँ हैं? आपको अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है? तुम ये चाहती हो कि मैं खुश ना रहूं? हैं? क्या हुआ है आपको? आप अच्छी खासी तो हैं, और अगर आपका दिल घबराता है ना तो आप फ्लैट्स के बच्चों को बुला लिया करें, उन्हें कुरान मजीद पढ़ाएं, घर में भी रौनक हो जाएगी और आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। तौबा है, कितने बहाने बना दिए तुमने। मत जाओ मेरे साथ, मैं किसी को भी लेकर चली जाऊंगी। फिर देखना मेरी बच्ची कैसे मेरे पास दौड़ी हुई आ जाती है। तुम ऐसे ही बोलती रहो। बड़ी आई नहीं जाने वाली। तौबा है, कैसी औरत है, अब जादू टोने पे उतर आई है। सारिम भाई, मैंने खाना टेबल पे लगा दिया है, आप आकर खा लें। आज तो आपके पसंदीदा करेले कीमा पका है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। सारिम तुम्हें नहीं, फर्क मुझे पड़ा है। तुम्हारे लिए दुनिया पहले जैसी होगी, अगर मेरे लिए बदल गई है। मैं जानती हूँ किसके लिए उदास हूँ। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना, आई एम फाइन। बेटा, मैं ही तो जानती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। दादी, वो ऑफिस में आजकल मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं थोड़ा टेंस हूँ। मैंने तो कुछ नहीं पूछा। जी बेटा, मेरी आंखें तुम्हें दुखी देख रही हैं। तू जब हंसता है ना तो लगता नहीं कि तू हंस रहा है। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि दुख देने वाले से भी मोहब्बत करो, मगर किसी मोहब्बत करने वाले को कभी दुख ना दो। जे? तुमने एनी के साथ अच्छा नहीं किया। एनी को अपने से जुदा करते हुए सिर्फ एक बार ये सोच लेते कि सारी दुनिया के लिए तुम एक हो, मगर एनी के लिए सारी दुनिया तुम ही हो। एनी तुम्हारे बगैर जी ना सकेगी। मेरी इस बात पर गौर करना बेटा। अगर मैं तुम्हारे बगैर जी के दिखाऊंगी, तुम्हारे बगैर मरूंगी नहीं।
मेरे पोते का हंसता बसता घर उजड़ा है, ये कोई खुशी की बात है? मुश्किल ही है एनी से अच्छी कोई मिले, मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं मैं? शायद तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है ये सब घर में? इधर से भी पानी डालना पौधों को। मम्मी मैं क्लासेस लेने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। तुम सुबह भी तो गई थी एकेडमी, अभी शाम को फिर क्यों जा रही हो? मम्मी मैं दूसरी एकेडमी जा रही हूँ, मैट्रिक के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको शाम को क्लासेस देने होंगे, जल्दी आ जाऊंगे। एनी तुमने अपनी हालत देखी है बेटा? अम्मी अब मैं अपने आप को मजबूत फील करने लगी हूँ, बल्कि बहुत मजबूत। वानी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हें मेरी बात हमेशा देर से समझ में आती है। हाँ ये भी है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दादी जान कब तक तुम्हारे घर में डेरे डाले रखेंगे? यार उन्हें जल्दी बिछवा दो ना, लेकिन प्लीज जल्दी, आई एम रियली मिसिंग यू यार। सारे आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। क्या हो बोलो। लेकिन सारिम तुम्हें कहीं नहीं लेके जा सकता। मामी मैं तो रुखसाना आंटी की तरफ जाना चाहती हूँ, आपको पता है उनका कुक आज मुझे केक बनाना सिखा रहा है। वानिया बहुत अच्छा केक बनाती है, जब से वानिया ने केक बनाना सीखा है हम लोग बाहर से केक नहीं मंगवाते, तुम उससे सीख लो। नहीं मामी उनका कुक किसी अच्छे होटल में काम कर चुका है, इसलिए वो मुझे अच्छा बनाना सिखाएगा। अरे अम्मी नशाबा ठीक ही तो कह रही है, वानिया का केक अल्लाह तौबा ऐसा लगता है रबर बनाया, रबर को खींच खींच के खा रहे हैं। तो फिर मैं चलूंगा आपके साथ? हाँ ऑफ कोर्स चलो। मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं तुम वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हो, जरूरत नहीं है चेंज करने की, चलो आज जल्दी से मुझे देर हो जाएगी, मैं गाड़ी बाहर निकाल लूँ, आ जाओ। हाँ मामी मैं जाऊं? केक बनाना सीखेगी। अरे आप क्यों मैडम, प्लीज अलाउ मी, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ ना, आइए कम इन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्या क्या याद रखोगे तुम नशाबा, गांव जाके वैसे तुम सबको किससे सुनाया करोगे कि मैंने शहर में कितनी मस्तियां की, कितना एंजॉय किया, कहाँ कहाँ गई? नहीं हाँ ये तो है, गांव जाके ये तो बताऊंगी। तुम दोनों कहाँ से आ रहे? जहाँ गए थे वहीं से आ रहे। क्या किसी तकरीब में गए थे या किसी शादी वादी में? मुझे पता आप कपड़े देखकर कह रही हैं। देखा नशाबा मैंने कहा था ना तुमको कि तुम्हें जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि नई नवेली दुल्हन आ रही है। नई दुल्हन? अरे अम्मी देखे ना नई दुल्हन ही तो लग रही है ये। मामी रुखसाना खाला मेरे लिए सूट लेकर आई थी, बस उन्होंने जबरदस्ती पहनवा दिया और मुझे कहा कि यहाँ पर किसी भी तकरीब में जाओ तो ऐसी ड्रेसिंग करके जाना। लगता है रुखसाना का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है वो। जाओ जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ। अरे मैं एक सेकंड रुक जाए ना, मुझे जरा तस्वीरें तो खींचने दे इसकी, इतनी अच्छी सी लग रही है, गाँव जाके सबको बताएगी ना
कि मैंने ऐसी ड्रेसिंग की थी। इधर फेस करो, इधर फेस करो। हाँ नशाबा इधर। अरे भाभी आप खैरियत तो है? हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? दिल चाह रहा था मेरा सैर करने को, इसलिए मैंने सोचा आज हॉस्पिटल में क्यों ना घुमाऊं, पिकनिक पॉइंट है ना ये, इसलिए। भाभी मेरे ख्याल में आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं नवेद हूँ, सारिम का दोस्त। नहीं मैं तुम्हें पहचानती हूँ और ना ही मुझे किसी को पहचानना है, सुन लिया तुमने? यार सारे मुझे तो लगता है कि ऐनी भाभी मुझसे नाराज है। नहीं नहीं यार, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐनी भाभी ने आज तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी, तो फिर आज क्यों? उसमें कड़वाहट जो इतनी भर गई है कि वो करे तो क्या करे। मगर बात क्या है आखिर यार, अब करने वाली कोई बात ही नहीं रही। तुम्हें बताऊं तो क्या बताऊं? लेकिन तुम दोनों में तो बहुत ज्यादा दोस्ती थी, तो फिर इन सब बातों का मतलब? जब दोस्ती में मतलब आ जाए तो फिर वो दोस्ती कहां रह जाती है? पता नहीं यार सारिम, तू इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहा है। कॉफी पिला यार, सर में दर्द हो रहा है। झगड़े तुम लोगों के, टांट मुझे पड़ गई। नशाबा, शुक्र करो मैं एंड टाइम पर आ गया, वरना तुम्हें तो बहुत चोट लगती। तुम्हें किसने कहा था मेरे रूम का पंखा साफ करने के लिए? मुझे वानिया ने कहा था। वानिया ने? वानिया घर आए मेहमानों के साथ इस तरह के सुलूक करते हैं? तुम खुद नहीं कर सकती थी ये काम? सारिम मैं मेहमान थोड़ी हूं। नहीं नहीं बेटा, तुम मेहमान हो, तुम्हें चंद दिनों बाद वापस जाना है। ये काम तो वानिया के हैं, वानिया को करने दो। और वानिया, आइंदा अगर मैंने नुशाबा को काम करते हुए देखा तुम्हारी खैर नहीं है। मोहब्बत हम
कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? दादी को तो बेहद अफसोस है, वो क्यों चाहेंगी कि सारिम भाई की शादी उनके नवासी से हो जाए? बेटा, जिंदगी की सादा चाल भी ना माहराना अंदाज में चली जाती है। तो पहले ही बता देते, मैं तुम दोनों के लिए चपातियां तो ना पकाती। वो दरअसल में मेरे जाने का मूड था नहीं, लेकिन जब उनकी मिसेस का फोन सारा को आया कि जरूर आओ और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कोई पहचान